हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज दिन का शुरुआत हो गया कुछ इस तरह से क्या हमारा आज का सुबह एक कॉफ़ी के साथ। और ये भाई अपना रजारियो साहब लगे हैं वॉशिंग में बहुत सारा पोमग्रेनेट के साथ। हेलो, बस लंच का टाइम हो ही गया। बुफे का सेटअप चल रहे हो गया भाई सब का, लंच का टाइम हो गया। अब खाना खा के निकलेगा रेस्ट पे। थोड़ी देर बाद हम भी आएंगे लंच करके, काम थोड़ा निपटा लेते हैं। क्या खाने का है लंच में, क्या रेडी किया? चिकन करी। ओए होए, देखो इंडियन है तो इंडियन खाना मंगता ही है। ये रहा चिकन करी और साथ में सलाद प्लेन राइस। वैसा तो बहुत कुछ है पर बंदा सादा बंदा है तो सादा ही खाना खाता है। भाई सब ने सारिया राइस बनवाया, तो अभी सीनियर में इसमें जाने वाला है। Hi Manjar, how are you? Good, good. Yeah. Oh, nice flavor. Yeah, thank you. Very nice, very nice. Yeah. Today lunch I will have also this rice. मैंने भी कर लिया, अब चलेंगे केबिन दोपहर का रेस्ट करने। होटल पानी लेके चलते जाते जाते। दोपहर का टाइम है, रेस्ट करेंगे। जेम्स अभी भी खा रहे हैं। खा ले। अब पार्सल होकर यहाँ से बाहर जाता है दूसरा छोटा छोटा शिप जो है यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन बार। अभी हमारा शेर जाने के बाद तो हमने हैंड ओवर लिया है और तो हमें तो करना ही पड़ेगा अभी। गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सर। दोस्तों कैबिन पे चलते हैं। चल मिलते हैं बाद में। ओ
दोस्तों, तो अब हम आ गए अपने केबिन के पास, जाते हैं एक नींद मार के आते हैं और फिर मिलते हैं। दोपहर के टाइम में थोड़ा ये जगह पे आके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। एक दिन दिखाऊंगा दोपहर को मेरा किस जगह पे बैठ के मैं थोड़ा आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से जहाँ मैं बैठता हूँ दोपहर को। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं केबिन में। काफ़ी लंबा टाइम हो गया बाहर घूम रहा हूँ तभी से, और ठंड भी है बहुत, हवा बहुत ठंड चल रहा है, बहुत ठंड हवा चल रहा, तो बाहर ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, थोड़ा सूख जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तरफ ये सारा अपना केबिन है, ये बाहर का तरफ का जितना भी केबिन है, ऊपर फ्लोर में भी केबिन होता है। तो ये रहा मेरा केबिन दोस्तों। तो पहुंच गया मैं अपना केबिन में। ये वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं अगला वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जिसका कोई ख्याल नहीं करता उसका भी बहुत सारा ख्याल रखिए।